हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर घुटने के लिगामेंट, पुले का बार बार ख़राब होना, कंधे का बार बार उतरना, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया के हर कोने से ही लोग एसीएल लिगामेंट के लिए, हिप रिप्लेसमेंट के लिए या फिर कंधे के बार बार उतरने के इलाज के लिए मेरे पास आ रहे हैं। हमारे यहाँ के जो इलाज है उसकी तीन खास बातें हैं। पहली बात, जो रेट है वो सरकारी अस्पताल से भी कम रहेगी। दूसरा, किसी तरह की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती, जिस दिन आप आते हो उस दिन या अगले दिन इलाज हो जाता है। तीसरा, बार बार आपको आना नहीं पड़ता, एक बार जब आप ठीक होके घर गए तो दोबारा आपको अस्पताल का मुंह देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा, जो भी इलाज होगा वो 100% गारंटी से होगा। इसी वजह से आप देखिए कि भारत के अलावा बांग्लादेश से, मिडिल ईस्ट से, मस्कट से, ओमान से, कतर से, दोहा से, अफगानिस्तान से, नेपाल से भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। और आज मेरे साथ काफ़ी सारे फाइटर्स मौजूद हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपका जो इन सब के साथ एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि ये अस्पताल किस कदर हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। मेरे साथ एक बांग्लादेशी फाइटर हैं जो हिंदी नहीं समझते, तो मैं उनसे बांग्लादेश की भाषा में ही बात करूंगा। तुम्हार नाम की? गुलाम मुस्तफा। तुम्ही कोथा थे के एसएचओ? बांग्लादेश थे के। तुम्हार चोट की करे लगी छे? बाइक के एक्सीडेंट। तुम्ही हमार संपर्क की करे जानी ले? हमार पूर्वे पुलिस एखाने एसेछिलो तार कासे, एवं पूर्वे थेके आमी यूट्यूबे आपनार संगे कमेंट्से कथा बोलतम सर। তোমার চোট আর জানো কি কি সমস্যা হয়েছে? সমস্যা হাঁটুর নিচের অংশ ডান দিকে মোচড় দিত, আর হচ্ছে হাঁটুর ভিতরে ব্যথা করত। আমার হসপিটালে পরিষেবা তোমার কেমন লেগেছে? খুব ভালো লেগেছে স্যার। নমস্তে। কে নামে ভাই আপনার? গাসিলাল নাগর। গাসিলাল জি কাহাঁকে রহনে ওয়ালে হো? কোটা। আপকে ঘুটনে মে ক্যা দিক্কত আ গই থি? স্যার মেনে এমআরআই করবাই থি, তো মেনিকাস অর ACL का टियर बताया था उसमें। तो आपने आसपास में राय ली थी कोटा में, क्या कहना था वहाँ पे डॉक्टर्स का? राय लिया था, सभी ने यही ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था सर। तो आप वहाँ पर ऑपरेशन का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? सर मतलब वो वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब ऑपरेशन नहीं होते थे, महीने में एक या दो ऑपरेशन होते थे, इस वजह से। आप एक ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराना चाह रहे थे जो महीने के 100 करता हो, ना कि ऐसा जो साल में 2 करता हो? बिल्कुल सर। नहीं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर इतनी दूर क्यों आना, पास में ही हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब है, हमारे पुराने जान पहचान के, वहीं करा लेना चाहिए। तो आपकी क्या सोच है कि अच्छे इलाज के लिए दूर जाना चाहिए या आसपास में कहीं देख के फटाफट करा लेना चाहिए खाना पूरा? नहीं नहीं, जहाँ जितना बेस्ट हो वहीं करवाना चाहिए सर। दोस्तों, अगर आपने हमारे क्रिकेटर्स को देखा हो तो वो अपने इलाज के लिए लंदन, अमेरिका तक जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी विदेशों में जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली बॉम्बे में उनको इलाज नहीं मिलेगा, वो चाहें तो डॉक्टर को दिल्ली बॉम्बे भी बुला सकते हैं, लेकिन वो यही सोचते हैं कि हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से बेस्ट डॉक्टर का चुनाव करता है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इलाज के लिए आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरे पड़ोस में कौन से डॉक्टर हैं या मेरे नियर कौन से हैं या फ्री में कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें सोच के बजाय कि आप ये सोचिए कि बेस्ट कहाँ पर हो रहा है, कम खर्च में कहाँ हो रहा है, गारंटी वाला कहाँ हो रहा है। तो आप जिस सोच के यूट्यूब में जिस उम्मीद से यहाँ पे आए थे, आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा है सर। कई जगह लोग बोलते हैं कि सर टेलर तो अच्छा रहता है, पिक्चर खराब निकलती है, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं नहीं, ठीक है सर। ऑपरेशन में तो मतलब दूसरे दिन जिस टाइम आया था उसी दिन प्लान बना, ऑपरेशन का प्लान बना लिया था, यहाँ का माहौल देख के, सारा कुछ देख के। ऑपरेशन में तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी आपकी? नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ सर। ठीक है, इनको दो फोन। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सलीम अहमद है। सलीम जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जिला बरेली, यूपी, उत्तर प्रदेश। आपके कैसे लिगामेंट टूट गया था? सर मेरे बाइक एक्सीडेंट से दोनों पैरों का लिगामेंट, एक 2019 में एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण मुझे चोट, तो बरेली में भी दिखाया और दिल्ली में एम्स में दिखाया। आप वहाँ पर सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो पा रहे थे? सर मैं एक्सपीरियंस देखना चाह रहा था कि किस डॉक्टर के पास कितना एक्सपीरियंस है। सर जैसे बहुत से डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो वो महीने में जैसे 3-4, मैं ऐसे डॉक्टर की तलाश में था जो डेली के कम से कम 10 से 15 ऑपरेशन करते हूँ, तो मुझे सर ऐसे डॉक्टर की तलाश थी। तो आपको, आपने जब इतनी सारी जगह देखा तो आपने वहाँ पे भी खर्चा पूछा होगा और यहाँ का भी खर्चा पूछा, तो कितना अंतर आपको लगा यहाँ पे खर्चे में बाकी जगह की तुलना में? सर मैं बताऊँ सर, रुपये में सर 30 पैसे का यहाँ पे खर्चा, बाकी अगर बाकी जगह 1 रुपया लग रहा था, 30 पैसे में ही हो रहा है। जी जी जी। और आपको ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ या ऐसा कोई चीज़ लगी हो आपको? सर महसूस भी नहीं हुआ जब मेरा ऑपरेशन, मेरा वो हो रहा था, बाकायदा मैं अपनी टीवी में देख रहा था, मुझे किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ कब ऑपरेशन हुआ, कब क्या हुआ। मतलब आप जिन उम्मीदों के साथ आए, अस्पताल खरा उतरा उन उम्मीदों के? जी जी जी, बिल्कुल 100% खरा उतरा सर। इन भैया को दीजिए। क्या नाम है भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मेरा नाम राजेंद्र तिवारी, मैं आर्मी पर्सन हूँ,
और मैं यूपी चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? ये सर मेरे को 16 मई 2023 को स्कूटी से गिर गया था। उसके बाद जुलाई 3 तारीख को मैं MRI करा तो पता चला कि कंप्लीट ACL टियर आया हुआ है। तो फिर यूट्यूब के माध्यम से आपके बारे में जानकारी मिली और मैं यहाँ आपके पास पहुँचा। आपको यहाँ का जो एक्सपीरियंस आप यूट्यूब से जो उम्मीद करके आए थे तो वैसा ही लगा या कुछ अलग लगा? जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ, भगवान से दुआ भी करूँगा कि ऐसे डॉक्टर हर प्रांत में होना चाहिए आज की डेट में। ये मेरी स्पेशलिटी में तो चाहते थे, फ्री भी करवा सकते सर, करवा सकता था लेकिन अपना मन गवाही नहीं दिया। आपको यहीं पे संतुष्टि मिली? ऑपरेशन का जो बाद का एक्सपीरियंस है और अस्पताल का माहौल है वो सब आपको कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया है सर, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, और जो भी ऐसा केस आता है तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगा यहीं पर आएँ और अपना इलाज करा के जाएँ। इनको दो, क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम है लाल बाबू पंडित। लाल बाबू पंडित, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार आरा। आपको कूल्हे की खराबी कैसे हो गई थी? कूल्हे की खराबी सर, मैं मेडिसिन भी खाया था एक बार, और जैसे इंजेक्शन भी कमर में भी लगवाया था एक लगातार 5-6, उसका भी मतलब कोई कंफर्म नहीं हो रहा। आपको पता नहीं चला कि किस चीज़ से खराब हो गया? खराब हुआ है। तो आपने रिसर्च किया था वहाँ पे कि भाई कोई चूरण चटनी से या तांत्रिक क्रिया करके मैं सही हो जाऊँ, ऑपरेशन नहीं कराना पड़े? रिसर्च किया था, आयुर्वेदिक भी चलाया था, होम्योपैथिक भी चलाया था, अंग्रेजी मेडिसिन भी चलाया था, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिली? कुछ नहीं हुआ उससे। आपको जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, लोग कहते हैं कि भाई गांव में कि भाई जब भगवान का बनाया कूला नहीं चला तो इंसान का बनाया कूला कैसे चलेगा, तो आप ऐसे? हाँ ऐसे आपको भी कहा था? हाँ हाँ, ये बात हुआ था, बहुत लोग बोला कि, तब मेरे को पता चला एक यहीं से बात हुआ था, तो मेरे को सलाह मिला कि जब पेड़ सूख जाता है तो उसमें कितना भी पानी डालने से हरा नहीं होगा, तो वो मैं सोच के फिर बात मैं मेडिसिन छोड़ दिया, मेडिसिन छोड़ के फिर यहाँ पे। आप ये बताओ कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद कितने महीने का बेड रेस्ट लगा आपको? कहाँ बेड रेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, अगले दिन से चलने लग जाते हैं। एक दो दिन में चलने हम लग जा रहे हैं। गांव में तो लोग डराते हैं ना कि कूला चेंज हो जाएगा तो पता नहीं 6 महीने बेड पे पड़े रहोगे। ये तो बात सही है, ये तो बात ऐसा हुआ था, बहुत लोग बोला था मेरे दोस्तों। कूले के चेंज करने के बारे में गांव में काफ़ी सारे अंधविश्वास हैं। पहले तो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं किसका कूला लगा देंगे, किसी और जानवर का कूला तो नहीं लगा देंगे। दूसरा ये भी सोचते हैं कि भाई कूला चेंज हो जाएगा तो आप पता नहीं 6-7 महीने बेड पे पड़े रहोगे। तीसरा ये कि भाई पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, आप अगले दिन से चल सकते हो और आराम से 20-25 साल अपनी सारी काम कर सकते हो, 40 किलोमीटर चल सकते हो, 40 से 100 सीढ़ी चढ़ सकते हो, 50-60 किलो वजन भी उठा सकते हो। तो कूला बदलना ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ आजकल नहीं रहा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहनलाल। मोहनलाल जी कहाँ के रहने वाले हो? बाड़मेर, बाड़मेर जिला। आपको लिगामेंट की प्रॉब्लम कैसे हो गई थी? लिगामेंट की कभी खेलते हो गई। तो आपने वहाँ बाड़मेर में, जैसलमेर में दिखाया था, वहाँ से तो सब लोग अहमदाबाद जाते हैं, तो आप अहमदाबाद जाने के लिए नहीं सोचा? अरे मैं बाड़मेर में दिखाया तो मेरे को बोला नहीं कि ये तुम्हारा ACL नहीं टूटा हुआ है। उन्होंने बोला कि ACL नॉर्मल है, टूटा ही नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं है। फिर आपको क्या कन्फ्यूजन हो रहा था उनकी बात पे, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे? विश्वास नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा लसक आ रही थी, दर्द हो रहा था। तो फिर उसके बाद आपने कहाँ कहाँ दिखाया? बाड़मेर में देखा और कहाँ ना, इधर इधर यूट्यूब देखा, यूट्यूब में आप चैनल देखा। इनको फ़ोन दो। तुम्हार नाम की? हमारा नाम मारूफ। तुम्ही कोठा थे के SHO? हमी बांग्लादेश से गए से। तुम्ही हमारा संपर्क के की करे जानी ले? आपका संबंध जाना, वीडियो देखा था, वीडियो में से जाना था। आपको क्या व्यथा थी, किसके लिए आप इस, किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे? हिप जॉइंट का। तो हॉस्पिटल का जो आपका पोर्शिबा था वो तो मेरे कैमरा लगीचे अच्छा लगा, ठीक है सब। क्या नाम है आपका बेटा? नेत्रवणी पोड सर। आप कौन से राज्य के रहने वाले हो? सर उड़ीसा का। आपको लिगामेंट की प्रॉब्लम कैसे हो गई थी? सर क्रिकेट खेलते वक्त पैर मुड़ गया था। कितने दिन पुरानी बात है ये? सर 2 साल हो गया सर। तो इससे आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? इससे मेरे सीढ़ी चढ़ने में और चलने में दिक्कत हो रहा था सर, पैर हिल रहा था। तो आपने आसपास में कहीं पे दिखाया था, क्या राय थी लोगों की? दिखाया था उड़ीसा में, तो बोले तो वो पार्सल टियर है, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जब मैंने कैमरा डाला तो आपका कंप्लीट टूटा हुआ था और आपका नया लिगामेंट लगा दिया है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो आप इलाज से संतुष्ट हो यहाँ पे? सर पूरा ये इलाज से। और ये भी प्रॉमिस करते हो कि मन लगा के कसरत करोगे? मन लगा के कसरत करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? दिलीप कुमार यादव। दिलीप आप कौन से राज्य के रहने वाले हो? झारखंड से। आपके कंधे में क्या दिक्कत आ गई थी? बार बार कंधा उतर जाता था। आपने वहाँ झारखंड में डॉक्टरों को दिखाया था? जी सर। तो क्या बोल रहे थे डॉक्टर्स वहाँ पे? बोला कि ये तो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा उतरा तो फिर दोबारा चढ़वाए, उसके बाद फिर बोले कि बार बार उतरे उतर जाता है, तो फिर बोला कि ये तो उतरते रहेगा। उन्होंने बोला कि पूरी ज़िंदगी आपका कंधा उतरता ही रहेगा तो बोले इसका कोई उपाय?
तो बोला ऑपरेशन पूरी दुनिया में। अच्छा तो आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे थे वहाँ पे? ऑपरेशन वहाँ पे चार्ज ज़्यादा था। इस हॉस्पिटल में और उस हॉस्पिटल के चार्जेस में कितने रुपए का अंतर था? यहाँ पे मतलब कि यहाँ 40 लग रहा था, वहाँ पे 100 लग रहा था। मतलब आप ये मानोगे कि पूरी दुनिया में जितना है उसे यहाँ पे सिर्फ 30% में इलाज हो रहा है? हाँ जी। आपको ये लग रहा है कि देखो इलाज तो फ्री सरकारी में भी होता है तो कई बार वहाँ पे भीड़ भी रहती है और क्वालिटी का भी अपन कंफर्म नहीं बोल पाते, यहाँ की क्वालिटी आपको कैसी लगी ट्रीटमेंट की? क्वालिटी अच्छी लगी। साफ सुथरा, गंदगी कैसा लगा अस्पताल में? साफ सुथरा। सेटिस्फाइड हो आप यहाँ के इलाज से? जी। दोस्तों आपने देखा कि इंडिया के लगभग लगभग हर कोने से और विदेश से भी लोग यहाँ पे आके इलाज करवा रहे हैं। इलाज सस्ता होना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत सारी जगह अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आदमी इसलिए मेरे पास आ रहा है कि वो इलाज सस्ता है या वो हो रहा है। आपको इलाज के अंदर, क्योंकि ये मामला शरीर का होता है और आदमी चाहता है कि वहीं पर इलाज कराए जहाँ पर गारंटी मिले, मन की संतुष्टि मिले, बार बार धक्के नहीं खाने पड़े। यही वजह है कि आज पिछले 15 सालों से जो एडवांस हॉस्पिटल है वो इंडिया के चोटी के अस्पतालों में शामिल है। और अगर आप लोगों को भी हिप रिप्लेसमेंट या कंधा बार बार उतरना या फिर एसीएल लिगामेंट की संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।